हेलो प्यारे बच्चों, मिठाई वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। आंसर, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य कहते हैं प्यार पाना, बच्चों की खुशी देखना उसको अच्छा लगता था, प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसीलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चों की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों बाद अलग अलग चीज़ें लेकर आता था। जो मिठाई वाला था वो बच्चों का प्यार पाने के लिए खुशी, बच्चों की खुशी जो देखता था तो उसको भी खुशी होती थी। तो बच्चों की खुशी देखने के लिए और उनका प्यार पाने के लिए और तो वो अलग अलग चीज़ें लेकर आया करता था और बच्चों की फरमाइशें पूरी करता था। जो बच्चे कहते थे वही चीज़ें लेकर आता था। सेकंड क्वेश्चन है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। आंसर, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषता बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएँ थीं। बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। जो मिठाई वाले की मधुर आवाज़ थी वो गा गा कर चीज़ों को बेचा करता था, तो इससे बच्चे तो बच्चे खुश होते थे, बड़े भी बहुत खुश होते थे। जब बच्चों को वो प्यार करता था, बच्चों की पसंद की चीज़ें लेकर आता था तो बड़े लोग भी खुश होते थे और जो लेडीज़ थी उसकी आवाज़ सुनकर अपनी बालकोनी में आ जाती थी, अपनी जो छज्जा होता है उस पर आ जाती थी। थर्ड क्वेश्चन, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। आंसर, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है, देते सभी को दो दो पैसे में पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। वो कहता है, विजय बाबू कहते हैं कि आप सबको दो दो पैसे में ही दे रहे होगे, लेकिन मुझे क्या मतलब, कम अगर दे रहे हो तो मुझ पर क्या एहसान कर रहे हो, सबको इन्हीं पैसों में दे रहे होगे। तो वो कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, उससे खिलौने वाले से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे होगे, सबको इन्हीं पैसों में दे रहे हो और मुझ पर कम करके मुझ पर एहसान जता रहे हो। फोर्थ क्वेश्चन है, खिलौने वाले ने आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, जब खिलौने वाला आता था तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। आंसर, खिलौने वाले ने अब आने पर बच्चे खुश हो जाते थे, बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे, उन्हें खेल कूद भूल कर अपने सामान जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौने दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे, बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। जब खिलौने वाला आता था तो बच्चों को कुछ भी ध्यान नहीं रहता था, वो जैसे बैठे हैं वैसे ही उठ उठ कर भागने लगते थे। अगर किसी का कैप लगाई हुई तो कैप गिर जाती थी, किसी ने चप्पल नहीं पहनी तो वो ऐसे ही भाग लेता था, किसी ने पजामा पहना है तो वो ऐसे ही चला, तो बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे कि खिलौने वाला आ गया और खिलौने वाले के पास दौड़कर चले जाते थे। क्वेश्चन फिफ्थ, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्वर क्यों हो आया। आंसर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाला
की तरह ही इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। खिलौना वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौना बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियाँ बेचा करता था। रोहिणी ने पहले जब खिलौने वाले को देखा तो खिलौने वाला खिलौने देकर गया था बच्चों को कम पैसों में, तो वो सोच रही थी कि ये खिलौने वाला वही है। अब मुरली वाला बनकर आया था फिर, तो मुरली वाला जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसको लगा रोहिणी को कि ये तो खिलौने वाला है जो कम पैसों में पहले दे गया था, तो उसकी आवाज़ से उसको पहचान लेती है कि ये मधुर स्वर वो भी गा रहा था और फिर वो भी गाना गा के बेच रहा था, तो उसकी आवाज़ को वो पहचान लेती है और कहती है कि ये शायद वही खिलौने वाला है। क्वेश्चन 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? आंसर, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक को बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, मकान व्यवसाय घाड़ी घोड़े नौका चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी छोटे छोटे दो बच्चे थे, मेरा वह सोने का संसार था, उसके पास सुख के सभी साधन थे, स्त्री और छोटे बच्चे भी थे, ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। तो खिलौने वाले ने बताया कि मेरे पास तो सब कुछ था, मेरी बीवी थी बच्चे थे और मेरे घोड़े गाड़ी सब नौका चाकर सब थे, लेकिन जब भगवान की ऐसी लीला हुई कि वो नहीं रहे तो मैं फिर यह काम करने लगा खिलौने बेचने का मुरली बेचने का। तो उसने अपने व्यवसाय का ये कारण बताया। क्वेश्चन 7, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? आंसर, मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना अब इस बार ये पैसे न लूँगा इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे मिठाई मांगकर खाने लगे। जब उसका मन भर आता है और वो बताता है कि दादी और रोहिणी से कहता है कि अब मैं मिठाई नहीं लूँगा, सॉरी मैं अब इनके पैसे नहीं लूँगा क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे आपके जो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू मुझे अपने बच्चों की तरह लगते हैं, तो मैं अब इनसे पैसे नहीं लूँगा। तो उसका मन भर आता है और वह दादी और रोहिणी से कहता है कि मुझे अब पैसे नहीं चाहिए। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है और जो मैंने पहले डाली थी मिठाई वाले की स्टोरी डाली थी पहले, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए जिससे कि और लोग भी इसको देख सकें। थैंक यू।